पठानकोट डलहौजी रोड पर अवैध ढंग से रेत और मिट्टी ले जा रही ट्रैक्टर ट्रॉलियों के कारण लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं। इन ट्रैक्टर ट्रॉलियों के आगे और पीछे कहीं पर भी नंबर प्लेट्स नहीं लिखी। दूसरा, बीच सड़क खड़ी होने से ये आए दिन हादसों का कारण बनती जा रही हैं। हालांकि वहीं ट्रैफिक पुलिस की तरफ से शहर के हर चौक चौराहे पर नियमों की उल्लंघना करने वालों के चालान काटे जा रहे हैं, लेकिन ऐसे वाहनों पर सख्त कार्रवाई करने से फिर गुरेज क्यों? भाजपा नेता राजू महाजन ने ऐसे लोगों के खिलाफ बनती कार्रवाई की मांग की है। मैं ये कहना चाहना भी जिहड़े साडे एसएसपी साहब खख साहब ने बहुत ही वधिया ने, बहुत ही वधिया अफसर ने, और जदों दे पठानकोट जाए उन्होंने पठानकोट दे विच पूरी निकेल कसी है हर पासों, चाहे वह क्राइम है, चाहे वह ट्रैफिक है, चाहे वह किदां भी है, लेकिन एसएसपी दे नाल जिहड़े बाकी कई अफसर हुंदे उन्हां दे ध्यान नहीं आ रहे होना, क्योंकि ये जरूरी है ध्यान लेना भी एक ट्राली ट्रैक्टर ट्राली जी जिंद ना इंश्योरेंस होंगी है ना नंबर हों ना कोई गलबात सीधी आ ट्रालियां पूरे शहर पाली जाते हैं घुमाई जाते हैं। एक आम बंदा बजुर्ग बंदा जा रहा वह नंबर प्लेट नहीं उन्होंने फड़ के उसकी बेजती भी की जाती है तो उन्होंने चलान भी किया जाता है और एक चीज का होर भी किया जाता है उन्होंने दस बजे तू नंबर प्लेट नहीं लवाई थी। ये चीज के पुलिस को ख्याल रखना चाहिए। अं बेनती करा पुलिस अफसर अगे साढ़े डीएसपी सिटी अगे सारे अगे ट्रैफिक डीएसपी साहब अगे एस एच ओ ट्रैफिक अगे इस चीज का ध्यान रखो भी जे वे वाहन है जो भी है वो जो नंबर प्लेट है उन्होंने तो उस हिसाब से चलो। एक आम पब्लिक एक लेडी जेंट्स जा रहे उन्होंने आप कह दें रोक लें चलान कर दें तो ट्रैक्टर ट्राली कौनी जी आए दिन ट्रैक्टर ट्रालियां सब तो वाला जानी नुकसान जहाँ ट्रैक्टर ट्राली से ही हूं चाहे वह के पिंड की ट्राली चाहे शहर की ट्राली है वह ही बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होंगे जी उन्होंने कागज होने आए दिन बड़ी जाना बच सकती है और जरा पंजाब सरकार का भी घाटा वाधा पूरा हो सकता ट्राली का हिसाब चलान किया जाए जिना सारा सिस्टम ठीक हो अगो ट्राली वालों पता आ जाए। कहा जाता है हिंदुस्तान में किसी भी बीमारी का इलाज करवाना बहुत मुश्किल, बहुत महंगा, गलत। आप सारे जनसा फाउंडेशन के मेंबर बनो, बाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल आने वाले 5 साल तक आपका पूरा इलाज फ्री करेगा। धन्यवाद।